अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास एट अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक देखें, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग अपना फ़ाइनल का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो फाइनल के सिलेबस को एक बार कंटेंट्स में चेक कर लेते हैं। लेसन नंबर 22 यूज़ ऑफ इट, लेसन नंबर 26 इम्पेरेटिव सेंटेंस, और लेसन नंबर 30 एसे राइटिंग। लेसन नंबर 30 हम लोग अपना पहले भी कर चुके हैं पार्ट नंबर 3 में, लेकिन हम लोग उसको फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी बाकी की और ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो लेसन नंबर 22 पेज नंबर 54 पर है, लेसन नंबर 26 88 पर, और ये 94 पर, और ये सभी कौन से पार्ट्स हैं हमारे, पार्ट नंबर 5, ठीक है। तो पेज नंबर सबसे पहले निकालें 54, पेज नंबर 54, देखिए ये है पेज नंबर 54, लेसन नंबर है 22 और लेसन नेम है यूज़ ऑफ इट, यानी कि हम इसमें किसका यूज़ करने वाले हैं, इट का, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे एक्सरसाइज है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको हमें किस में चेंज करना है, इंग्लिश में चेंज करना है और इसमें यूज़ करना है इट का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सभी लोग चेक करें, फर्स्ट सेंटेंस क्या है इसमें, बाहर अंधेरा है, क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि बाहर जो है वो अंधेरा है, तो उस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इट इज़ डार्क आउटसाइड, तो हो जाएगा इट इज़ डार्क आउटसाइड। क्या कल मौसम सुहावना था, इसको हम क्या कहेंगे, वॉज द वेदर प्लेजेंट यस्टरडे, वॉज द वेदर जो था वो सुहावने, क्या कह रहे हैं, प्लीजेंट वेदर, प्लीजेंट यस्टरडे, कल गर्मी नहीं होगी, तो जाएगा इट वुड नॉट बी हॉट, इट वुड नॉट बी हॉट, नहीं होगी यानी कि आने वाला कल, आने वाले कल में क्या आता है, टुमारो, क्या परसों सर्दी होगी, क्या परसों सर्दी होगी, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो विल इट बी कोल्ड डे आफ्टर टुमारो, क्वेश्चन है कल वर्षा होगी, क्या आ जाएगा यहाँ पर, इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो, बाहर अंधेरा क्यों है, वाई इज इट, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, वाई इज इट डार्क, अंधेरे को कहते हैं डार्क, बाहर मीन्स आउटसाइड, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क, आज ठंड है, यहाँ आ जाएगा इट इज कोल्ड टुडे, फरवरी का महीना था, यहाँ पर हो जाएगा इट इज द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, अब 2 बजे हैं, हो जाएगा इट इज 2 बजे हैं, मीन्स 2 o'clock, अब है तो नाउ, क्या आज सोमवार है, तो ये हो जाएगा इट इज मंडे टुडे,
इज इट सॉरी इज इट मंडे टुडे क्वेश्चन मार्क. आज ठंड नहीं है. इट इज़ नॉट कोल्ड. इट इज नॉट कोल्ड टुडे. आज नेक्स्ट है क्या वहाँ गर्मी थी. इट वॉज इट हॉट देयर. वॉज इट हॉट देयर क्वेश्चन मार्क. अब अच्छा मौसम है. ये हो जाएगा इट्स नाइस. वेदर कहते हैं मौसम को. नाउ ठीक है नेक्स्ट है आज धूल भरा दिन है. ये हो जाएगा टुडे इज डस्टी कहते हैं धूल को. डस्टी डे. क्या कल ख़राब मौसम था. यहाँ पे हमें क्या लिखना है. क्या कल ख़राब मौसम था. वॉज इट बैड यस्टरडे क्वेश्चन मार्क. ठीक है ये हो गया पेज नंबर 54 पे हमारा लेसन नंबर 22. नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 88 पर. नेक्स्ट चैप्टर पेज नंबर 88 पर लेसन नंबर 26. यहाँ पर भी पार्ट नंबर 5 शो करेंगे. ठीक है ये हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि सिंपल सेंटेंसेस. फर्स्ट है कृपया मुझे पानी दीजिए. तो जाएगा प्लीज़ गिव मी वाटर. सड़क पर कभी मत दौड़ो. नेवर रन ऑन दी रोड. उसे मत बुलाइए. डोंट कॉल हिम. दांत साफ कर लो. ब्रश टीथ. अगर हम कहते अपने दांत साफ कर लो तो यहाँ आ जाता है ब्रश योर टीथ. इसमें कह रहे हैं दांत साफ कर लो यानी कि ब्रश टीथ. नेक्स्ट है गरीबों की सहायता करो. हेल्प दी पुअर्स. पुअर्स कई गरीब हैं. मुझे मत सताओ. डोंट टीज. टीज कहते हैं सताने को. डोंट टीज मी. मेरे पास आओ. कम टू मी यानी कि मेरे पास आओ. यहाँ आओ. यहाँ मत ठहरो. डोंट स्टे हेयर. यहाँ से बाहर निकल जाओ. ये हो जाएगा गेट आउट ऑफ हेयर. बूढ़े पर तरस खाओ. पिटी दी ओल्ड. तरस कहते हैं पेटी और यहाँ पर आपको दूसरा भी गिवन है टू हैव मैरी. तो पिटी दी ओल्ड. रोको मत जाने दो. डोंट से स्टॉप लेट हिम गो. धूमपान मत करो. धूमपान कहते हैं स्मोकिंग को. तो डोंट स्मोक. स्वच्छता का ध्यान रखो. स्वच्छता मीन्स क्लीनिनेस. टेक केयर ऑफ क्लीनलीनेस. रोज सुबह स्नान करो. बाथ डेली इन दी मॉर्निंग. फूल मत तोड़ो. डोंट ब्रेक फ्लावर्स. या फिर डोंट प्लग भी आ सकता है. ठीक है डोंट प्लग दी फ्लावर्स यानी कि फूल को मत तोड़ो. ये हो गया पेज नंबर 88 पर लेसन नंबर 26. अब लास्ट हमें ऐसे राइटिंग करनी है. ऐसे चेक कर लेते हैं हमें कौन सा पढ़ना है. यहाँ पर देखिए पेज नंबर यहाँ पर देखिए 94 पे मैंने आप लोग को पार्ट नंबर 3 लिखवाया था. तो आप लोग को अब जो ऐसे प्रिपेयर करने हैं वो है माई फेवरेट लीडर और नेक्स्ट जो है वो है इंडिपेंडेंस डे. इन दोनों ऐसे के सामने यहाँ पर क्या लिख लेंगे पार्ट नंबर 5. ठीक है स्टूडेंट्स माई फेवरेट लीडर और इंडिपेंडेंस डे इन दोनों में से आपको किसी एक पर ऐसे प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम के लिए. ठीक है यहाँ पर हम लोग का फाइनल का सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है और यहाँ पर आप लोग चाहें तो फाइनल सिलेबस जो है उसको नोट कर लें कि यहाँ पर हम लोग का फाइनल सिलेबस कंप्लीट होता है. ठीक है या तो एसे 2 या फिर फाइनल कोर्स कंप्लीटेड. ठीक है यहाँ तक सभी अपना वर्क
कंप्लीट करेंगे, ठीक है? थैंक यू।